अर्जुन कपूर की कौन सी फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया है? अर्जुन कपूर अपनी आने वाली फिल्म में रॉ एजेंट का कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हैं? अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्म को सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की कॉपी क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों आपका स्वागत है बॉलीग्राड के इस नए वीडियो में। बॉलीवुड में आजकल सीक्रेट स्पाइंग फिल्में काफी पसंद की जा रही है, जिसका सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। एक था टाइगर भी एक सीक्रेट रॉ एजेंट की कहानी थी। इसके बाद मेघना गुलजार की फिल्म राजी भी एक ऐसी ही फिल्म थी जो सीक्रेट स्पाइंग पर बेस थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। एक था टाइगर ने 385 करोड़ और राजी फिल्म ने 195 करोड़ का बिजनेस किया था। अर्जुन कपूर भी अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए काफी चर्चा में थे, जिसमें वो सीक्रेट रॉ एजेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। उनकी इस फिल्म का नाम है इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। राजकुमार गुप्ता इससे पहले साल 2011 में नो वन किल्ड जैसिका डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। नो वन किल्ड जैसिका फिल्म की कहानी एक रियल मर्डर केस पर बनी थी, जिसमें जैसिका लाल नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था। जैसिका लाल एक मॉडल थी, जिसका साल 1999 में दिल्ली में मर्डर कर दिया गया था। नो वन किल्ड जैसिका फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म में विद्या बालन और रानी मुखर्जी नजर आई थी। फिल्म ने 58 करोड़ का बिजनेस किया था। राजकुमार गुप्ता अब इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म में अर्जुन कपूर के अलावा अमृता पुरी, राजेश शर्मा, शांतिलाल मुखर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिसमें अर्जुन कपूर कुछ लोगों की भीड़ में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो जासूसी और गुस्से से भरी नजरों में दिखाई दे रहे हैं। उनका ये लुक काफी दमदार लग रहा है। फर्स्ट लुक में फिल्म की रिलीज डेट यानी 24 मई 2019 नजर आ रही है। इंडियाज मोस्ट वांटेड का टीजर कल रिलीज होने वाला है। ये एक सच्ची कहानी है, जिसमें वो एक रॉ एजेंट का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अर्जुन कपूर की पिछली फिल्में तेवर, नमस्ते इंग्लैंड फ्लॉप रही हैं, लेकिन उन्होंने इश्कज़ादे, टू स्टेट्स, की एंड का, गुंडे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। सीक्रेट एजेंट पर बनने वाली फिल्मों को लोग अक्सर देशभक्ति की नजर से देखते हैं, फिल्मों को काफी पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो और वाल्टर एक सीक्रेट एजेंट की कहानी थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। वहीं अर्जुन कपूर की बात करें तो सीक्रेट एजेंट की कहानी पर बनने वाली इस फिल्म में उनके काम करने की एक वजह सलमान खान भी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान की भाभी मलाइका अरोड़ा के साथ लव अफेयर के बाद अर्जुन कपूर और सलमान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। यही वजह थी कि सलमान खान ने वांटेड 2 में काम करने से मना कर दिया था, जिसको बोनी कपूर बनाने वाले थे। वहीं सलमान खान की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने 500 करोड़ का बिजनेस किया था, और ये दोनों फिल्में एक सीक्रेट एजेंट की कहानी थी। अर्जुन कपूर के इस फिल्म में काम करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो सलमान खान को इस फिल्म से कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। अर्जुन कपूर की इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाती है, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि सलमान खान तो बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, क्योंकि फिल्में सिर्फ उनके नाम से ही चल जाती हैं। वो चाहे एक था टाइगर जैसी सीक्रेट स्पाइंग फिल्म हो या फिर रेस 3 जैसी सस्पेंस थ्रिलर जो फ्लॉप रही थी, लेकिन फिर भी 300 करोड़ का बिजनेस कर गई थी। क्या अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर के 300 करोड़ के बॉक्स ऑफिस को पीछे छोड़ पाएगी और ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की और जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।